हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये 1 ईयर से लेकर 5 ईयर गर्ल के लिए एक टॉप बनाना सीखेंगे कि वो किस तरह से बनेगा। देखिए बहुत ही प्यारा हमारा ये टॉप बनेगा। और पैटर्न देखिए, हमने चोटी वाला पैटर्न बनाया है, नीचे हम इसमें सेकंड कलर से दूसरा पैटर्न डालकर बनाएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इस वूल से अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमारी नॉर्मल वूल है और यहाँ पर हमने देखिए 9 नंबर का हमने देखिए यहाँ पे क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें लूप बनाएंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए इस तरह से, ना ज़्यादा टाइट चेन बनाएंगे ना ज़्यादा लूज चेन बनाएंगे। इस तरह से हम इसमें टोटल 80 चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये 10 चेन बना ली है, 70 चेन और बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 80 चेन बना ली है और अब हम इसमें क्या करेंगे, धागा लेंगे और 4th चेन में देखिए ऊपर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 और 4th चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से, तो हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें 1 2 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे और हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए देखिए हमने धागा लिया है और हम डबल क्रोशिया के इस तरह से नीचे से हम क्रोशिया हुक निकालेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर धागा लेंगे हम डबल क्रोशिया के देखे पीछे से इस तरह से हम निकालेंगे, तो ये हमारा बैक पोस्ट हो गया। एक बार हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बार हम बैक पोस्ट बनाएंगे। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं सेम वैसे ही ये बॉर्डर बनेगा गले का हमारा। तो हम इसमें एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट बनाएंगे और देखिए इस तरह से ये हमने एक फ्रंट पोस्ट बनाया, एक हमने बैक पोस्ट बनाए। देखिए इस तरह से एक हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया, एक हमारा बैक पोस्ट बन गया। देखिए हम ये रो कंप्लीट करेंगे, फिर हम दूसरी साइड आएंगे। दूसरी साइड में हमें जो जैसा दिखाई देगा हम उसे वैसा ही बनाएंगे। अगर हमें फ्रंट पोस्ट बना हुआ दिखाई देगा तो हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बैक पोस्ट होगा तो बैक पोस्ट। तो इस तरह से हम इसमें 3 राउंड बनाएंगे। देखिए फर्स्ट राउंड ये हो गया जो हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाया था, फिर हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे, फिर हम दूसरी तरफ से आएंगे उस राउंड को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। तो हम इसके 3 राउंड बना लेते हैं। देखिए हमने 3 रो बनाकर कंप्लीट की है और जो हमने 3rd रो बनाई है वो हमने सीधी साइड बनाई है। देखिए ये हमारी सीधी साइड है और अब हम रोंग साइड में हैं। अगर आपको बॉर्डर बड़ा बनाना है, जैसे हमने 3 रो का बनाया है, अगर आपको 5 रो या 7 रो का बनाना है तो हम इसमें 7 रो बनाएंगे, तो हमारा ये जो अब हम रो बनाएंगे वो हमारी उल्टी साइड से बनेगी और सीधी साइड से नहीं बनेगी, तो क्योंकि सीधी साइड हम फिर पैटर्न डालेंगे। अब यहाँ पर हमारा सीधा है और हम यहाँ पर रोंग साइड में हैं। यहाँ पर अब हम डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, तो पहले हम 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए हमने 3 चेन बनाई है, टर्न करेंगे और धागा लेंगे हम। यहाँ पर देखिए ये जो चेन दिखाई देगी इस चेन में हमें नहीं बनाना है, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे और हम यहाँ पर ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। कॉर्नर पर हमें 2 डबल क्रोशिए के बाद डबल क्रोशिया बढ़ाना है, क्योंकि जब हम ये गला बनाएंगे तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो 2 डबल क्रोशिया हमारा देखिए यहाँ का और 2 यहाँ का, तो ये हमारा बराबर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे हमारे बीच में, देखिए इस तरह से। तो हमने यहाँ पर इसीलिए कॉर्नर पर 2 डबल क्रोशिया बनाया है। अब 2 डबल क्रोशिया बनाया, 3rd चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 3rd चेन में बनाया है, धागा लेंगे और हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बनाया, नेक्स्ट चेन में जाएंगे 2, ये हमारी 3rd चेन है,
ये हमारी फोर्थ चेन है, यानी अब हम हर फिफ्थ चेन पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर फिफ्थ चेन पे बनाना है, धागा लेंगे और देखिए यहाँ पर ये हमारी पांचवी चेन है, पांचवी चेन में हमने दो बार बनाया, फिर से बनाएंगे एक दो तीन चार। देखिए चार बना लिए हैं, पांचवी चेन में हम दो बार बनाएंगे, पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, हर पांचवी चेन में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हर पांचवी चेन में दो बार डबल क्रोशिया। देखिए राउंड हमारा बन गया है, अब हम इसके नेक्स्ट राउंड में हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है और अब हम इसके नेक्स्ट राउंड में हैं। यहाँ पर पहले हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बनाई है, टर्न करेंगे और यहाँ पर देखिए अब हम सीधी साइड में हैं। अब हम यहाँ पर धागा लेंगे, देखिए इस लूप में हम इस चेन में हमने ये थ्री चेन बनाई है, अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे, ये दो हो गया, फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे तीन, तीन डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम धागा लेंगे और देखिए ये जो हमारी चेन है, देखिए एक दो तीन थर्ड चेन है, इस थर्ड चेन के अंदर हम देखिए चेन के अंदर से इस तरह से हम धागा निकालेंगे एक बार, फिर से निकालेंगे दो, फिर से निकालेंगे तीन, एक बार और चार। देखिए हमने चार बार निकाला है, अब हम इन्हें एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, पहले हम इसमें धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में देखिए यहाँ पर तो हमारा डबल क्रोशिया बना हुआ है, देखिए ये दिखाई देगा यहाँ पर बना हुआ है, अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे, तो नेक्स्ट में जाएंगे और डबल क्रोशिया देखिए इस तरह, अब हम इसे कंप्लीट करेंगे, फिर से एक दो, ये दो बार डबल क्रोशिया बनाया, धागा लेंगे और जो ये पहले वाला देखिए अगर हम देखेंगे तो ये हमने तीन बनाए हैं, एक दो तीन, और जो ये पहले वाला है इसके हम चेन के अंदर देखिए यहाँ पर हम तीन बार चार बार धागा निकालेंगे, एक दो तीन चार, चार बार धागा निकाला है इसे हम, अब हम इन सभी लूप को एक साथ निकालेंगे, इसे हम कंप्लीट नहीं करेंगे, धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, देखिए इसमें नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ये बन गया, फिर धागा लेंगे, फिर से दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक दो, धागा लेंगे और हम ये जो हमारा तीसरी चेन है, एक दो तीन, ये तीसरा डबल क्रोशिया इसके नीचे वाली चेन के अंदर हम चार बार धागा निकालेंगे, एक बार निकाला, दो तीन चार, एक साथ सभी को कंप्लीट करेंगे, धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, देखिए इसमें नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर हम धागा देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से धागा लेंगे और हम एक दो बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, धागा लेंगे और जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम इस तरह से एक दो तीन चार एक साथ बनाया। अब हम फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया ये बन गया, फिर दूसरी में लेंगे दो, फिर से तीन, अब फिर से हम एक दो तीन चार एक साथ कंप्लीट किया, नेक्स्ट चेन में जाएंगे और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड शेप में आने लगा है गला, अभी आगे और बनेगा तो ये हमारा पूरा राउंड बन जाएगा इस तरह से। तो देखिए अब हम आगे इसमें कैसे बनाएंगे, पहले हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बनाई है, टर्न करेंगे और यहाँ पर हम देखिए
पहली चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हमने थ्री चेन बनाई है। नेक्स्ट चेन में जाएंगे तो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये दो हो गया, फिर से बनाएंगे ये तीन बना लिए। देखिए हमने तीन डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम जो हमने देखिए ये आपने जो पफ बनाएंगे, और देखिए पफ के ऊपर आपको ये हल्की सी ये देखिए इस तरह से स्पेस दिखाई देगा चेन के अंदर से, यहाँ पर अब हमें बनाना है क्योंकि ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया है और ये हमारी तीसरी चेन, एक दो तीन। तो थोड़ा सा इसे हम इस तरह से खींचेंगे तो ये थोड़ा लूज़ हो जाएगा। धागा लेंगे और हम यहाँ पर बनाएंगे एक दो तीन चार। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे, हाफ़ में कंप्लीट किया है, अब हम आगे बनाएंगे। देखिए इस चेन को हम छोड़ देंगे, ये जो देखिए ये वाली चेन है इसे हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये जो हमारा पफ वाली चेन है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में हम बनाएंगे। ये हमने बनाया और इसे कंप्लीट किया। फिर हम नेक्स्ट दो चेन में देखिए अब आपको तीन चेन दिखाई देंगी, एक दो तीन। तो हम पहली दो में बनाएंगे एक, फिर से बनाएंगे दो, दो हो गया। अब हम धागा लेंगे और जिसमें हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था यानी पफ के ऊपर वाली चेन में, हमें पफ के साथ पफ मिलाना है, पफ के ऊपर वाली चेन में इस तरह से हम फिर से बनाएंगे एक दो तीन चार। कंप्लीट करेंगे, धागा लेंगे और देखिए फिर से हम एक चेन छोड़ेंगे, ये वाली चेन हम छोड़ देंगे। देखिए इस वाली चेन को हम छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे, ये तीन हो गया। धागा लेंगे और फिर हम जिसमें हमने पहला बनाया था उसी के अंदर एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे, फिर धागा लेंगे एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये चोटी बनेगा। और आपको मैं ये पफ काउंट करके बता देती हूँ टोटल हमारे यहाँ पर कितने पफ बनकर आए हैं। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस, 31 पफ हमारे बने हैं इसमें पूरे राउंड में। तो इसी तरह से हम ये सेकेंड राउंड भी बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। और अब हम आगे देखिए इसमें बनाएंगे, यहाँ पर हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन ली है, टर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें देखिए चेन दिखाई देंगे, पूरे राउंड में इस तरह से चेन है। तो इस राउंड में हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, टर्न करेंगे हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जितने भी हमें देखिए ये चेन दिखाई देंगी इनके अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाकर ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी ये देखिए हमने जो राउंड बनाया है ये हमने सीधी साइड बनाया है। देखिए यहाँ से ये राउंड सीधी साइड है तो अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से लेंगे और हम यहाँ पर इसे जॉइंट करेंगे। तो ये हमारी तीन चेन बनाई हुई है, एक दो तीन। तो इसे देखिए इस तरह से करेंगे, देखिए इस तरह से, और थर्ड चेन में हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच किया। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे, एक दो तीन। ये हमने तीन चेन बनाई है डबल क्रोशे की हाइट की, एक चेन हमने गैपिंग के लिए, धागा लेंगे और हम सेम प्लेस पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी एक छोटी सी वी बनेगी, इस तरह से वी बन जाएगी हमारी। अब हम फिर से बनाएंगे, धागा लेंगे, एक चेन हम छोड़ देंगे
देखिए एक चेन छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे डबल क्रोशिया, एक चेन और डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे वन डबल एक चेन छोड़ेंगे, फिर से बनाएंगे वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया। तो एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम वी बनाएंगे जिसमें हम वन डबल क्रोशिया, एक चेन और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट राउंड में हैं। यहाँ पर पहले हम तीन चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे, एक दो तीन। थर्ड चेन में हमने देखिए से इस तरह से स्लिप स्टिच किया। अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बनाई है। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और बनने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। यहाँ पर हमने इसे थर्ड चेन के साथ देखिए स्लिप स्टिच किया है। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे, एक हमने चेन बनाई हुई है, दो तीन, तीन चेन बनाएंगे, धागा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी एक चेन के अंदर, एक वी के अंदर हमारे पास तीन चेन होती हैं। देखिए इस तरह से एक ये डबल क्रोशिए की, फिर एक ये डबल क्रोशिए की, बीच में हमने एक चेन की गैपिंग ली थी, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर तीन चेन है। इस बार देखिए हम कैसे बनाएंगे इसे। जब हमने यहाँ पर ये कली बनाई थी, चोटी बनाई थी, तो वो हमने तीन डबल क्रोशिए बनाने के बाद तब हमने बनाई थी। देखिए यहाँ पर हमने तीन डबल क्रोशिए बनाए थे, लेकिन अब हम दो में बनाएंगे। ये जो बीच में चेन है इसे हम स्किप करेंगे। तो देखिए तीन हमने बना ली है चेन, अब हम ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया इसकी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दो हो गया, धागा लेंगे और हम यहाँ पर ये जो हमारे पास देखिए स्पेस दिखाई देगा उसमें हम यहाँ पर हम बनाएंगे एक दो तीन चार, कंप्लीट करेंगे। अब धागा लेंगे, अब देखिए एक इस डबल क्रोशे की चेन ये है और इस डबल क्रोशे की ये, तो दो चेन हो गए, एक ये हमारी बीच में है, इसे हम स्किप करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर बनाएंगे, एक बार बनाया डबल क्रोशिया कंप्लीट किया, फिर हम इसमें बनाएंगे दो। देखिए ये दो बना दिए डबल क्रोशिया। अब जो ये पहले वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम बनाएंगे एक दो तीन चार, चार हो गए, इस तरह से चारों को हमने एक किया। धागा लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट वी के फर्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक में बनाया, फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे, दो हो गए, फिर हम यहाँ पर एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे। धागा लेंगे, फिर हम नेक्स्ट वी में वी की पहली चेन के अंदर जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, दो हो गए, फिर धागा लेंगे और पहले डबल क्रोशिया की चेन में नीचे से बनाएंगे एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वी के पहली चेन में जाएंगे वन डबल क्रोशिया, फिर सेकंड चेन में जाएंगे वन डबल क्रोशिया, फिर जो पहला डबल क्रोशिया इसके नीचे चेन में चार बार धागा लेंगे एक दो तीन चार, एक साथ कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वी में जाएंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अगर हम पफ काउंट करें तो देखिए सेकंड राउंड में हमारे पास यहाँ पर ये देखिए हमने थर्ड चेन में इसे ज्वाइंट किया है। अब हम पफ काउंट करेंगे, यहाँ से ये हमारे पास जो धागा है इससे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस
तरतालीस, चवालीस, पैंतालीस, छियालीस, सैंतालीस, अड़तालीस, उनचास, पचास, इक्यावन, बावन, तिरपन, चौवन, पचपन, छप्पन, सत्तावन, अट्ठावन, उनसठ, साठ, इकसठ, बासठ, तिरसठ। यहाँ पर हमारे पास टोटल 63 हमारे पास अब यहाँ पर ये पफ बनकर आए हैं। अब हम आगे इसमें बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसे थर्ड चेन के साथ, देखिए इस तरह से, देखिए एक दो तीन थर्ड चेन के साथ हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब हम इसमें तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बनाई है, टर्न करेंगे। देखिए दूसरा पार्ट हमने जब इसमें बनाया था तो हमने रोंग साइड से बनाया था ये वाला पार्ट, तो अब हम इसे रोंग साइड से बनाएंगे। डबल क्रोशिया बना, सॉरी तीन चेन ली है, धागा लेंगे। अब देखिए इस चेन के अंदर हम नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हमने दो बना लिया। अब ये देखिए पफ के जो यहाँ पर स्पेस है इसके अंदर हम चार बार धागा लेंगे, एक दो तीन चार, चार बार लिया है, कंप्लीट करेंगे, धागा लेंगे, एक चेन हम यहाँ पर छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ये बनाकर कंप्लीट किया। फिर से धागा लेंगे और देखिए ये नेक्स्ट चेन है, इस चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इस पफ में जहाँ पर ये देखिए हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया है इसी चेन के अंदर हम चार बार धागा लेंगे, ये दो बार ले लिया, फिर से लेंगे तीन, फिर से लेंगे चार, इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। ये देखिए चेन हमें अलग ही दिखाई देंगे इस तरह से, और पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार, कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट चेन में। तो देखिए इस तरह से हम ये पफ बनाएंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड कंप्लीट करने के बाद आप इसमें देखिए ये हमारी चेन दिखाई देंगी, सीधी साइड आएंगे। राउंड कंप्लीट करने के बाद हम इस तरह से आएंगे और यहाँ पर हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उस राउंड के बाद हम वी बनाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, ये दो राउंड रिपीट किए थे चोटी के बाद, हम फिर से ये दो राउंड रिपीट करेंगे। यह तरह से हम बनाते हुए ये आर्म होल तक इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आगे कैसे बनाना है। देखिए आर्म होल तक हमने बना लिया है और बनाने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। और देखिए ये जो हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो इसमें हमारे पास ये 200 डबल क्रोशिया है पूरे राउंड में, और देखिए हमने इसमें सिर्फ दो ही चोटियां बनाई है। अब हमारा इसमें एक राउंड बनाना और रहता है जो हम सेकंड कलर से बनाएंगे, क्योंकि नीचे हम सेकंड कलर लगाएंगे। अगर हम इसमें रो काउंट करें तो हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस राउंड हमने बनाए हैं। अब 10 राउंड के बाद एक राउंड हम इसलिए बना रहे हैं तक क्योंकि हमें अब पैटर्न डालना है, तो एक राउंड हम सिंपल का बनाएंगे और फिर हम उसमें आर्म होल साथ में ही हम इसमें आर्म होल भी छोड़ेंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए चोटी बनाने के बाद हमने ये एक सिंपल डबल क्रोशिया बनाया, रो बनाई सिंपल डबल क्रोशिया की, फिर हमने ये वी बनाई थी। इस वी में हमने ये देखिए सिर्फ हमने दो डबल क्रोशिया बनाया है, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। जो बीच में चेन है उस पर हमने डबल क्रोशिया नहीं बनाया है, सिंपल ऐसे ही हर एक वी के अंदर हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाए। देखिए ये वी की दो तीन चेन है, एक पे हमने बनाया, एक पर बनाया और बीच वाली चेन को हमने स्किप किया। इस तरह से हमने बनाया है तो हमारे यहाँ पर 200 डबल क्रोशिया बनकर आया है। देखिए इस तरह से बीच वाली चेन को हमने स्किप किया है जो गैपिंग के लिए ली थी, बाकी में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। तो हमारे पास ये टोटल 200 चेन बन गई है। अब हम इसमें सेकंड कलर लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये बनकर आएगा। देखिए सेकंड कलर हम इसमें ग्रे लगाएंगे। तो चलिए बनाते हैं।
देखिए हमने यहाँ पे धागा कट किया था, यहाँ पर हम सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे और हम देखिए इस तरह से लेंगे, ये देखिए एक हमने यहाँ पे धागा ज्वाइंट किया है। अब हम इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे, देखिए इस तरह से एक दो चेन ली है और यहीं पर हम एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हाफ डबल क्रोशिये में हम तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में भी हम हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हम हर एक चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशे का पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें नीचे का पार्ट बनाएंगे और बाजुएं बनाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और उसमें हम दूसरा पैटर्न डालकर बनाएंगे। बहुत ही प्यारा हमारा वो पैटर्न है जो हम इसमें बनाएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।